दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। डेली आपको 2 बजे रीजनिंग की वीडियो मिलती है, जिसके अंदर ये हमारा पार्ट 40 रहेगा। ऑलरेडी 39 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, सबको प्लेलिस्ट में ऐड भी कर दिया गया है और उसमें जितने चैप्टर कराए गए हैं सारे बहुत आराम से और बेसिक से कराए गए हैं। अगर आपने पहले तैयारी भी नहीं कर रखी है तो भी आपको आराम से समझ में आएगा। किसी कोचिंग सेंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई पेड कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारे टॉपिक हर एक टाइप बिल्कुल आराम से आपको समझ में आ जाएगी। तो अगर जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो प्लेलिस्ट में जाके अपनी रीजनिंग को 100% स्ट्रॉन्ग कर सकते हो आप लोग। ओके, तो हमारा आज का पार्ट शुरू करते हैं। टॉपिक चल रहा था हमारा एनालॉजी, एनालॉजी का ये हमारा पार्ट 3 होगा। ऑलरेडी मैं पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर चुकी हूँ। पार्ट 1 में हमने किया था अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन, पार्ट 2 में हमने किया था स्क्वायर क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन और आज पार्ट 3 है। जब एनालॉजी शुरू हुई थी तब मैंने आपको बताया था इसके अंदर रीजनिंग भी यूज होगी, इसके अंदर मैथ भी यूज होगा और इसके अंदर जीके भी यूज होगी। यही सेम चीजें आगे वाले चैप्टर यानी क्लासिफिकेशन के अंदर यूज होगा। तो अभी भी बता रही हूँ ABCD स्क्वायर क्यूब टेबल और जीके की वीडियो आज वाले पार्ट के अंदर जो स्टूडेंट शाम को 8 बजे जीके की वीडियो अटेंड करते हैं उनको इस वाले पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जिनकी जीके बहुत ज्यादा वीक है उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है और पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं अगर आपने पेपर दिए हैं तो। ओके, तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन दूंगी मैं आपको, इसके अंदर इंडिया जीके वर्ल्ड जीके सारी इंक्लूड होगी। यहाँ पे भारत, यहाँ पे मैंने लिखा है संसद, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लोन्स लगाए, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा अमेरिका और नेक्स्ट आपको बताना है इसका रिलेशन किससे होगा। ठीक है, वैसे इसमें ऑप्शन की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं इसमें ऑप्शन दे देती हूँ ताकि आपको कुछ एक क्वेश्चन मैं याद करा पाऊँ। एक एक क्वेश्चन के साथ 3-4 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन है ड्यूमा, तीसरा ऑप्शन है हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है कांग्रेस, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा राष्ट्रीय पंचायत। अब जो स्टूडेंट शाम वाले स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं तो उनका तो आंसर भी आ गया होगा क्योंकि उनको मैंने जीके इतने अच्छे से याद करवा रखी है। अब यहाँ देखिए, आपको जैसे ही ये पॉइंट्स आपने देखे आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन किससे है, एनालॉजी से है। अब आपको इसके अंदर रिलेशन फाइंड करना है। रिलेशन कैसे फाइंड करोगे, भारत में भारत का रिलेशन संसद से कैसे है, यानी कि भारत में संसद को क्या बोला जाता है, संसद बोला जाता है, वैसे ही अमेरिका का रिलेशन किससे होगा, यानी अमेरिका की संसद का नाम आपको बताना है। जैसे आपने भारत में यहाँ पे मान लो यहाँ पे भारत का यहाँ पे दिया होता रुपया यानी रुपीस, यानी भारत की मुद्रा क्या है रुपीस, तो यहाँ पे आपको अमेरिका की मुद्रा बताना होता। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया भारत की कैपिटल नई दिल्ली, तो आपको यहाँ पे अमेरिका की कैपिटल बतानी होती। जैसा जो दिया हुआ है वही आपको आगे बताना है। अब इसके लिए तो जीके आनी चाहिए वरना कैसे बताओगे। देखो नेक्स्ट क्या बनेगा, चलो हम सारा कुछ इंक्लूड करते हैं। मान लो पहला क्वेश्चन ये है भारत की करेंसी दे रखी है, तो अमेरिका की करेंसी क्या हो जाएगी, आंसर क्या आ जाएगा, डॉलर। अमेरिका की करेंसी कौन सी है, डॉलर। भारत की कैपिटल नई दिल्ली, तो अमेरिका की कैपिटल क्या हो जाएगी, आंसर क्या आ जाएगा, वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका की कैपिटल कौन सी है, वॉशिंगटन डीसी। अब जिसको कैपिटल याद है वो तो इसका आंसर आराम से दे पाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्या पूछा था, भारत में संसद यानी भारत की संसद को संसद बोलते हैं, इंग्लिश में हम पार्लियामेंट बोल देते हैं लेकिन भारत की संसद को संसद ही बोला जाता है। ओके, तो अमेरिका की संसद का नाम क्या है, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, कांग्रेस। अमेरिका में संसद का नाम क्या है, कांग्रेस। अगर यहाँ अमेरिका की जगह मान लो जापान आ जाता, अमेरिका ना देके मान लो यहाँ पे जापान दे दिया, ठीक है, तो यहाँ पे भारत में करेंसी चलती है रुपया, तो जापान की करेंसी क्या होती है, येन चलता है वहां पे। ठीक है, भारत की कैपिटल नई दिल्ली है तो जापान की कैपिटल क्या है यहाँ पे, टोक्यो। ओके, भारत में संसद को संसद बोलते हैं तो जापान में संसद को क्या बोलते हैं, डाइट बोलते हैं। ओके, इस प्रकार से हमें हर एक चीज पता होनी चाहिए। हर एक देश जो इम्पोर्टेंट होता है, जो
करंट में नाम चल रहा होता है, उसकी कैपिटल, उसकी करेंसी और उसके जो भी संसद का नाम है, उसका राष्ट्रीय खेल, सारा कुछ हमें पता होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे मान लो रूस होता तो रूस का आंसर क्या आ जाता, रूस की संसद का नाम क्या है, ड्यूमा। ओके, अगर नेपाल होता तो नेपाल की संसद का नाम क्या है, राष्ट्रीय पंचायत। शाम वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको कैपिटल, करंसी, संसद, बहुत सारे क्वेश्चन, दिल्ली के कम मैं 50 क्वेश्चन कराती हूँ। और अभी हमारे टोटल पार्ट कितने हो चुके हैं, 45। तो अब यहाँ से देख लीजिए कितने क्वेश्चन, 45 को जब आप 5 से गुना करोगे उसके आगे एक जीरो लगा देना, टोटल इतने क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए अगर इस टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा वहां पे। तो जीके पढ़ने के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, नॉलेज भी बढ़ती है, पेपर भी क्लियर होते हैं, रीजनिंग में भी हेल्प मिलती है। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। याद रखना भी, जापान की संसद का नाम क्या है, डायट। रूस की संसद का नाम क्या है, ड्यूमा। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस हो गया। और नेपाल की संसद का नाम क्या है, राष्ट्रीय पंचायत। आगे समझ में, ठीक है। और ये भी याद रखना भी, जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। ओके, साथ में याद रख लेना ये ताकि आपको थोड़ी सी मदद मिल जाए। करेंसी क्या है, येन। रूस की राजधानी क्या है, ड्यूमा। रूस की संसद का नाम क्या है, ड्यूमा। रूस की जो राजधानी है वो क्या है, मॉस्को। और रूस की जो मुद्रा है वो है रूबल, ठीक है, मॉस्को रूबल। अमेरिका की कैपिटल, वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी। और करेंसी क्या है, डॉलर। ओके, और नेपाल की कैपिटल क्या है हमारी, काठमांडू, काठमांडू। और करेंसी क्या है वहां के भी, रुपये। आगे समझ में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नोट कर लेना भी, जितनी चीजें भी मैं लिखा रही हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको। अब कोई भी देश आ सकता है, जरूरी नहीं है इन चारों में से ही आए, यहाँ पे कोई भी देश हो सकता है, कोई भी, यानी कि कोई भी, दक्षिण अफ्रीका हो सकता है, अफ्रीका हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, नॉर्वे हो सकता है, ब्राजील हो सकता है, कोई भी देश आ सकता है यहाँ पे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एक तो क्वेश्चन यहाँ पे बन गया हमारा संसद के बेस पे, एक कैपिटल के बेस पे और एक करेंसी के बेस पे, ठीक है। ये मैंने टाइप आपको बता दी, इस टाइप में आप कोई भी देश आ सकता है, आप लोग अपनी जीके स्ट्रॉन्ग कर सकते हो वहां से। नेक्स्ट टाइप देखिए क्या बनेगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो टाइप है वो है, महात्मा गांधी का रिलेशन किससे है, राजघाट से है। अब जो बच्चे शाम वाली देखते हैं वो देखते ही समझ गए। और इस टाइम जिनको आता होता है ना, जो ये खुशी होती है कि ये चीज हमें आती है, उस खुशी का कोई कंपैरिजन भी नहीं होता किसी भी चीज के साथ। महात्मा गांधी का रिलेशन राजघाट से है, तो यहाँ पे आपको बताना है, किसी का भी बता सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री का रिलेशन किससे होगा, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे महात्मा गांधी का रिलेशन राजघाट से है, तो लाल बहादुर शास्त्री का रिलेशन किससे होगा। पहला ऑप्शन है हमारे पास विजय घाट, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास शक्ति स्थल, ठीक है, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है हमारे पास किसान घाट, ठीक है, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे विजय घाट, शक्ति स्थल, किसान घाट, और एक ले लो आप यहाँ पे वीर भूमि। ये मैंने चार ऑप्शन ले लिए, इसमें से आपका आंसर होगा और कुछ और क्वेश्चन भी हम साथ में कवर करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही आपने यहाँ पे देखा महात्मा गांधी से राजघाट, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि राजघाट क्या है, महात्मा गांधी की समाधि का नाम है। महात्मा गांधी जी की समाधि का नाम क्या है, राजघाट। तो आपको बताना है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है। चार ऑप्शन है, चारों से हम एक एक क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे जरूरी नहीं है लाल बहादुर शास्त्री आए, जितनी समाधियां इंपोर्टेंट थी सारी कवर करा रखी है। रीजनिंग का चैप्टर खोल के देखना, सारा कुछ आपको यही मिलेगा। ओके, एनालॉजी का चैप्टर। अब विजय, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, विजय घाट, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है विजय घाट। याद कैसे करोगे, विजय उसी को मिलती है जो बहादुरी से मुकाबला करता है। ओके, तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है विजय घाट। शक्ति स्थल किसकी समाधि का नाम है, इंदिरा गांधी, नारी शक्ति का रूप होती है, ठीक है, तो इंदिरा गांधी की समाधि का नाम क्या है, शक्ति स्थल। ओके, नेक्स्ट है किसान घाट, किसकी समाधि का नाम है, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह एकलौते ऐसे प्रधानमंत्री जो अपने कार्यकाल में कभी भी लोकसभा नहीं गए,
चौधरी चरण सिंह की समाधि का नाम क्या है? किसान घाट। इसको कैसे याद करोगे? किसान के चरणों में हमेशा नमन करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे अन्नदाता है। अगर वो है तो हमें भोजन मिल पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे किसान घाट किसकी समाधि का नाम है? चौधरी चरण सिंह। और वीरभूमि किसकी समाधि का नाम है? राजीव गांधी की समाधि का नाम है वीरभूमि, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी हो सकता है, भी उसके हिसाब से ही चार मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ताकि आपकी थोड़ी सी नॉलेज और ज्यादा एक्सटेंड हो जाए, आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी यहाँ से समाधियों वाला क्वेश्चन कवर हो गया, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है हमारा। अगला जो पॉइंट हमारा बनेगा वो बनेगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस टॉपिक से बन सकता है हमारा? दिलीप ट्रॉफी। दिलीप ट्रॉफी का रिलेशन क्रिकेट से है, दिलीप ट्रॉफी का रिलेशन क्रिकेट से है, तो आपको ये बताना है यहाँ पे राइडर कप का रिलेशन किससे होगा, राइडर कप का रिलेशन किससे होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ऑप्शन में दे रखा है हॉकी, ऑप्शन में दे रखा है फुटबॉल, ऑप्शन में दे रखा है पोलो, और ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पे गोल्फ। इन चारों ऑप्शन में से एक हमारा आंसर हो जाएगा। अब जैसे ही आपने ये देखा यहाँ पे दिलीप ट्रॉफी किस में दी जाती है? क्रिकेट में दी जाती है। अब क्रिकेट वाली सारी ट्रॉफियां मैंने आपको याद करा रखी है, विजय हजारे ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, देवघर ट्रॉफी, झांसी की रानी ट्रॉफी, एशेज ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ये सारी किस में दी जाती है? क्रिकेट में दी जाती है। तो कोई भी ट्रॉफी हो सकती है। यहाँ पे आपको आपसे पूछा क्या गया है, राइडर कप किस खेल में दिया जाता है? तो राइडर कप किस में दिया जाता है? इन चारों में से किस में दिया जाता है? गोल्फ में। गोल्फ में दिया जाता है राइडर कप। अगर यहाँ राइडर की जगह एजरा कप होता तो एजरा कप किस में दिया जाता है? पोलो में दिया जाता है। अगर यहाँ पे मड्रेगा कप होता, ठीक है, या फिर यहाँ पे रोवर्स ट्रॉफी होती, या फिर यहाँ पे फीफा होता, ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनता? फिर फुटबॉल बनता, ठीक है। या यहाँ पे बेटन कप होता, बेटन कप होता, यहाँ पे ध्यानचंद कप होता, मेजर ध्यानचंद, ठीक है, ध्यानचंद कप होता, तो इसका आंसर क्या बनता? फिर हॉकी बनता, ठीक है। तो मैंने जितने भी कप है, ट्रॉफी है, सारी आपको याद करा रखी है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, टॉपिक्स बता रही हूँ सारे के सारे, कुछ नहीं करना, आपने शाम वाली जीके की वीडियो सुननी है बस, आपको सारे के सारे टॉपिक्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला टाइप यहाँ पे क्या बनेगा? नेक्स्ट जो टाइप इसके अंदर बनेगा वो बनेगा श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का रिलेशन दुग्ध उत्पादन उत्पादन से है, तो आपको बताना है नीली क्रांति का रिलेशन किससे होगा, नीली क्रांति का रिलेशन किससे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है, इसका आंसर ऑप्शन में है पहला मत्स्य, पहला है मत्स्य उत्पादन या मत्स्य पालन, ठीक है, ये पहला हो जाएगा हमारे पास। दूसरा है हमारे पास तिलहन, तिलहन उत्पादन, ठीक है, और तीसरा हो जाएगा हमारे पास टमाटर उत्पादन या मांस उत्पादन, ठीक है, इस प्रकार से कोई भी आ सकता है यहाँ पे। तो श्वेत क्रांति का रिलेशन किससे है? दुग्ध से है, सबको पता ही है श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है, दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है। आपको नीली क्रांति का आंसर देना है। अब यहाँ पे नीली क्रांति, भूरी क्रांति, पीली क्रांति, सुनहरी क्रांति, बहुत सारी क्रांतियां मैंने आपको करा रखी है, तो नीली क्रांति का रिलेशन किससे हो जाएगा? मत्स्य उत्पादन या मत्स्य पालन से हो जाएगा। ओके, तिलहन यहाँ पे किससे रिलेशन होगा? यहाँ पे तिलहन वाली क्रांति कौन सी है? पीली क्रांति। पीली क्रांति किससे रिलेटेड है? तिलहन से रिलेटेड है। और टमाटर और मांस से रिलेटेड कौन सी है? लाल क्रांति। लाल क्रांति किससे रिलेटेड है? टमाटर और मांस से रिलेटेड है। ओके, तो पीली क्रांति, हरी क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, भूरी क्रांति, खाकी क्रांति, ठीक है, सारी की सारी मैंने आपको कर रखी है, आप लोग रिवाइज कर लेना ये सारी क्रांति, ठीक है। मैं आपको एक एक टाइप के क्वेश्चन बता रही हूँ। नेक्स्ट देखिए, अगला जो हमसे पूछा जाएगा वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आ भी चुका है पेपर के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है भी, सिस्मोमीटर। सिस्मोमीटर का रिलेशन किससे है? भूकंप से है, तो आपको बताना है लैक्टोमीटर का रिलेशन किससे होगा,
ठीक है, लैक्टोमीटर का रिलेशन किससे होगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सिस्मोमीटर का रिलेशन किससे है, भूकंप से है, तो लैक्टोमीटर का आपको आंसर बताना है कि लैक्टोमीटर का रिलेशन किससे होगा। जल्दी से यहाँ पे बताइए मुझे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। सिस्मोमीटर का रिलेशन भूकंप से है, ये सबको पता है, ठीक है। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज करते हैं, सिस्मोमीटर। वैसे ही दूध की शुद्धता को मापने के लिए कौन सा यूज करते हैं हम, ठीक है, वो यूज करते हैं हम लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर का यूज होता है दूध की शुद्धता को मापने के लिए, हम यूज करते हैं लैक्टोमीटर। आगे समझ में, तो इस प्रकार से ये इंस्ट्रूमेंट भी पेपर के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा सेरिकल्चर। सेरिकल्चर, सेरिकल्चर का रिलेशन है रेशम उत्पादन। सेरिकल्चर का रिलेशन है रेशम उत्पादन से, तो आपको बताना क्या है, एपीकल्चर का रिलेशन किससे होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, बहुत बार पेपर में डायरेक्ट आया है, एपीकल्चर का रिलेशन किससे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेरिकल्चर यानी रेशम उत्पादन से रिलेटेड जो कल्चर होता है उसको बोलते हैं हम सेरिकल्चर। एपीकल्चर का रिलेशन किससे होता है, तो वो होता है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन जो होता है वो किस में जाता है, एपीकल्चर में जाता है, ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। उत्पादन क्षेत्र मधुमक्खी पालन जो होता है वो एपीकल्चर कहलाता है, रेशम उत्पादन क्या कहलाता है, सेरिकल्चर कहलाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, एपीकल्चर, बहुत बार पेपर के अंदर पूछा गया है। आगे समझ में, अब एक आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, जल्दी से नीचे उसका आंसर दे देना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ओके। हाँ जी, क्वेश्चन है हमारे पास आगरा, यहां मैंने लिखा है सिकंदर लोदी, तो आपको नेक्स्ट बताना है हमारे पास अमृतसर। अमृतसर जो पंजाब में है, इसका आंसर आपने मुझे देना है। जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए, वीडियो को पॉज करिए, नीचे कमेंट करिए, जल्दी देखो। जल्दी देखिए, आगरा का रिलेशन सिकंदर लोदी से है, तो अमृतसर का बताना है आपको, बस हिंट देखना है क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट आंसर आपने नीचे देना है, ओके। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, एनालॉजी कंप्लीट हो चुका है, जितने टाइप के संबंध थे मैंने सारे करवा दिए। इस टाइप के सम का कोई भी एंड नहीं है, बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, जीके के अंदर, साइंस के अंदर, वर्ल्ड जियोग्राफी के अंदर, हिस्ट्री के अंदर, बहुत सारे यहाँ पे रिलेशन बन जाएंगे। आपको जीके अच्छे से आनी चाहिए, पेपर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू।